यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, 3 की मौत, 40 लोग घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस रविवार रात करीब 11:30 बजे डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें मथुरा जिला अस्पताल भिजवाया गया है। हादसा एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 88 के नजदीक हुआ। हाईवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों व मृतकों को संभाला। हादसे के कारण मौके पर देर रात तक लंबा जाम लग गया था। जानकारी के अनुसार दिल्ली के नरेला से बस रवाना हुई थी, जो बिहार में दरभंगा जा रही थी। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में काम करने वाले लोग करीब 9 बजे बस में सवार हुए थे। हादसे के वक्त सभी लोग नींद में थे, लेकिन बस पलटते ही चीख पुकार मच गई। आगरा की ओर जा रही शिव प्रकाश ट्रेवल्स की बस पहले डिवाइडर से टकराई और पलट गई। सूचना पर सुरीर पुलिस के अलावा आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को बस से निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। SDM मांड इंद्रनंदन सिंह और CO रविकांत पाराशर मौके पर पहुंचे और अपने निर्देशन में घायलों व हताहतों को उपचार के लिए रवाना करवाया। बस पलटने से नोएडा से आगरा लाइन पूरी तरह से जाम हो गई। ऐसे में क्रेन मंगवाकर बस को साइड में करवाने का प्रयास रात 12 बजे तक जारी था। मौके पर लोगों की भी भारी भीड़ जुट गई, जिससे बचाव कार्य में व्यवधान आया।